हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल नेहा नॉटी। तो गाइस, आज सुबह में हम लोग उठ गए हैं 6 बजे, मतलब मैं उठी हूँ 6 बजे। और यहाँ पे देखिए, इस लोग को भी मैं उठा रही हूँ, ब्रश करके भी आ गया है। अरे, वो तैयार होगा क्योंकि उसको ट्यूशन है 7:30 बजे से, तो आधा तैयार हुआ है और आधा बाकी है। उसको नींद आ रहा है इसलिए ऐसे बैठा है। और मैं कर रही हूँ ब्रश, मेरा काम भी हो गया है। रात को तो बर्तन मैं से रखी दी थी, अभी घर पहुंचना था तो वही पहुंच ली थी। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रश। ब्रश करके ब्रश करना हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं स्लोक को दे दूँगी। कुछ टिफिन देना है तो वो खाएगा, तो जो टिफिन दे दूँगी, नहीं तो ऐसे मैं भी तैयार होंगी। तैयार होकर उसको लेके फिर ट्यूशन जाना है। तो तब तक ब्लॉग में बने रहिए मेरे आगे का रूटीन जानने के लिए। तो मेरा नहाना हो गया है और मैं नहा के भी आ गई हूँ अभी। तो अभी चूल झाड़ूंगी और फिर थोड़ा सिंदूर विंदूर लगाऊंगी, फिर पूजा करूँगी करके तब वही किचन में जाना है। फिर क्या सोचना है, क्या बनाना है आज, तो चलिए मिलते हैं किचन में जाके सीधा। तब तक मैं फ्रेश होके अच्छा से रेडी होके पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाके आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस, मेरा यहाँ पे पूजा भी हम कर लिए हैं और मेरा पूजा हो गया है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर श्रेष्ठा भी मेरे साथ साथ घोड़ी जा रहा है। देखिए उसको, देखिए कितना बदमाशी करता है। बेटू बेटू बेटू। तो गाइस, चलिए मैं चलती हूँ। श्रेष्ठा को भी भूख लग गया है, बहुत सुबह को उठता है वो भी, तो मैं उसका खाने का इंतजाम करती हूँ। भूख लगा है तो गाइस, मैं उसका खाना तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। गाइस, मैं खाना बनाने के बाद मैं ब्लॉग नहीं दे पाई थी क्योंकि बहुत जोर से नींद आया था, मैं सो गई थी। तो और सो के अभी उठी हूँ क्योंकि ये श्लोक और सुदीप का मैम आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी चढ़ाई हूँ श्रेष्ठा के लिए, उसका पेडिक्री बनाऊंगी। तो सबको नाश्ता दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा। सुदीप थोड़ा चना खाया है, श्रेष्ठा का भी ये वाला बनाने दी हूँ। श्लोक बोल रहा है मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत जोर से नींद आ रहा है। मैं एक्चुअली वो लोग को बोलती हूँ जब टाइम मिलता था रेस्ट कर, नहीं खेलेगा, इसीलिए उसका आग जल रहा है अभी। तो यहाँ पे मैं अभी सुदीप श्रेष्ठा का पेडिक्री बना रही हूँ, तो मैं उसका पेडिक्री बना लेती हूँ। और उसका मैम आएंगे तो चाय वे बनाएंगे, तो मैं चाय वे देके उसके मैम को, उसके बाद मैं आप लोग से बैक करती हूँ ब्लॉग में। तो गाइस, मैं किचन से कब का निकल आई थी क्योंकि हो गया था, लोग को नाश्ता भी दे दी, सबको खा लिया। और अभी आया है श्लोक और सुदीप का मैम, और मैं आस्ते इसलिए बात कर रही हूँ कि बगल वाला रूम में, बगल में ही जो रूम है वो रूम में वो पढ़ा रहे हैं, तो डिस्टर्ब फील हो रहा है इसी में। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा से। गाइस, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप लोग कल ही देखिए। तो जैसे कि आप लोग देखें कि वो लोग पढ़ा रहे थे, मैं थोड़ा सा ही वीडियो की क्योंकि कोई भी टीचर है और मैं चोरी छुपे वीडियो बना रही थी। तो ठीक है, मैं जस्ट आज पहला दिन है इसलिए मैं आप लोग से सब कुछ शेयर करती हूँ, तो इसलिए शेयर की हूँ। तो ठीक है, और ब्लॉग में बने रहिए, अभी देखती हूँ क्या होता है। गाइस, यहाँ पे अभी श्लोक और सुदीप का गेट बंद करो, रखो श्लोक सुदीप, श्लोक सुदीप का ट्यूशन हो गया है, मैम चल गया है वो लोग का। तो श्लोक और सुदीप का ट्यूशन मैम चल गया है, तो अभी यहाँ पे श्लोक सान बत्ती दे रहा है और यहाँ पे देखिए सुदीप चीरे भजा खा रहा है कि खच्चू बोलो चीरे भजा। तो सुदीप का ये फेवरेट है, बहुत उसको बहुत पसंद है चीरे भाजा। और यहाँ पे एक देखिए, उसको देखिए बदमाश को, श्रेष्ठा कम आए आए, इतना बदमाशी करता है ना, ऐसे ही पलंग का नीचे झुकेगा, बदमाशी करेगा तो पलंग का नीचे झुक जाएगा। देखिए पूरा घर में एकदम ये करके रख देता है।
और यहाँ पे श्लोक भी शान बत्ती दे रहा है, और मैं थोड़ा सा बैठी थी, आज माथा बहुत जोर से दर्द कर रहा है, सोई थी फिर भी दर्द कर रहा है, पता नहीं सर्दी सर्दी टाइप का लग रहा है। तो आज सिर्फ रोटी बनाना है इसलिए लेट से ही बनाएंगे, क्योंकि दिन में जो सब्जी बनाया था चिकन वो है ऑलरेडी, तो हो जाएगा रात को। तो अभी थोड़ा सा ये लोग को पहले नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद फिर किचन में जाके आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे श्लोक और सुदीप टिफिन किया था, तो उसका थोड़ा सा बर्तन है, तो मैं यहाँ पे फटाक से थोड़ा सा ही बर्तन है तो मैं यहाँ पे धो लेती हूँ बर्तन सब। तो यहाँ पे धोने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आटा सानूंगी, क्योंकि चावल है तो थोड़ा सा ही रोटी बनाना है, तो मैं धो लेती हूँ और फिर आटा सान के रोटी बना के फिर आप लोग से मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस उसका मैम पढ़ा के चल गए थे, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही होमवर्क हम बोले थे दे देने, क्योंकि लोग जबकि स्टार्टिंग में ही बहुत लेट हो गया है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा ये लोग का पीछे, इसका मैम को भी और मुझे भी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत करा रहे थे, आज होमवर्क करा लिया आधा दोनों को ही, और अभी उन लोग को जा रहे दोनों को ही खाना देने। तो यहाँ पे सब्जी गर्म हो रहा है और यहाँ पे रोटी हम प्लेट में निकाल के रखे हैं दोनों के लिए, तो सब दोनों को मैं खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर बैठ के बात करते हैं। तो गाइस श्लोक और सुदीप को यहाँ पे खाना दे दी हूँ, देखिए वो लोग बैठ के खा रहे हैं दोनों भाई, तो वो लोग तब तक खा ले, और फिर मेरा बर्तन भी थोड़ा सा था, नाश्ता जो ये लोग किया था वो सब बर्तन भी था, तो वो सब भी मैं मैज ली, अभी आधा काम हो गया है, अभी मेरा हस्बैंड आएंगे तो उनको खाना देंगे और हम खाएंगे, तो ही थोड़ा दो को बर्तन रहेगा, वो भी कोशिश करेंगे कि धो के मैज के रख लेने, तो सुबह मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही था, आज के लिए बस इतना ही था, कल मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, और मेरा जो वीडियो है और मेरा बारे में जो हम बताते हैं, मेरा सुबह से उठ के रात तक का जो रूटीन बताया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, और इसमें अगर कहीं भी मेरा कुछ मिस्टेक होता है व कहीं भी ये रूटीन मुझे चेंज करना चाहिए तो वहाँ पे भी मुझे गाइड कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मुझे प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, और मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, गुड नाइट, बाय बाय।